मनोजबं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुत मुख्यं शिरां दूतं शरणं प्रपद्ये सद्गुरुदेवाय नमः। बोलिए बागेश्वर धाम की जय। श्री बालाजी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय। गौ माता की जय। अपने अपने मात पिता के चरणों की जय। जय श्याराम। जय बागेश्वर धाम की। आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे, प्रसन्नचित होंगे। बागेश्वर बालाजी के चरणों में यही हमारी प्रार्थना है और इस पीठ की ओर से यही आप सबको आशीर्वाद है कि आप सब मंगलमय रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। बागेश्वर बालाजी आपके साथ हैं। ऐसी भीषण विभीषिका महामारी में घबराएं नहीं, अब तो अपने आप को मजबूत बनाए रखें। आपके साथ बागेश्वर बालाजी हैं, सद्गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा हैं, आपके साथ सनातन धर्म है, आपके साथ आपकी वैदिक पद्धति है, आपके साथ आपके इष्ट गुरु और माता पिता की कृपा है। वर्तमान की भीषण महामारी प्रकृति का प्रकोप है। प्रकृति का प्रकोप का अर्थ है प्रकृति के साथ हमने जो अत्याचार किया उसका दुष्परिणाम आज संपूर्ण देश, विश्व और जीव प्रत्येक भोग। इस प्रकृति के प्रकोप में सावधान रहना ही एक सूक्ष्म उपाय है। महामारी का अर्थ भगवती का स्वरूप है। इस काल व्याल से वही बच पाएगा जिनके ऊपर भगवत कृपा होगी, जिन राखा रघुवीर, जिनके ऊपर बागेश्वर बालाजी के चरणों की दया, हनुमान जी के चरणों की दया, गुरु चरणों की दया और जिनका आत्मविश्वास मजबूत है, वही इस महामारी की भीषण विभीषिका से बच पाएंगे। और ईश्वर से प्रार्थना कि सब सुरक्षित रहे और हरि शरणागति के अलावा आपके पास, हमारे पास और विश्व में किसी के भी पास कोई उपाय नहीं, केवल परमात्मा की शरणागति, यही एक उपाय है। एक संदेश लेकर के हम आप सबके बीच इस वीडियो को जारी करवा रहे हैं सोशल मीडिया द्वारा। हमारी प्रार्थना है सब तक पहुंचाएं इस संदेश को, हमारी करबद्ध प्रार्थना है। वर्तमान भीषण विभीषिका में महामारी को देखते हुए बागेश्वर धाम पर लगने वाला दिव्य दरबार, अर्जी, पेशी और मई माह में श्री श्री 1008 श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, कोविड 19 को देखते हुए भारत शासन की गाइडलाइंस का पालन करना हमारा परम धर्म है और आपका भी परम धर्म है, जिससे शासन प्रशासन का साथ हमारे साथ और आपके साथ सबके साथ बना रहे, तो हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। इस कारण से लक्ष्मी नारायण महायज्ञ कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जाता है। बाद में कभी परमात्मा कृपा करवेंगे तो आपको सोशल मीडिया द्वारा जानकारी दी जाएगी। और यह हम आप सबकी जिम्मेदारी है कि भारत शासन की नियमावली का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इस भीषण विभीषिका महामारी में यह यज्ञ इसलिए विराम किया गया, स्थगित किया गया, क्योंकि जगह जगह पर विचित्र स्थितियां बनी हुई हैं। इसलिए यज्ञ तो होगी पर यह सामूहिक और विशाल रूप से यज्ञ विराम रहेगी, क्योंकि इस दास का ही निजी संकल्प था कि यह दास हवन पर स्वयं बैठेगा और जगत कल्याण के लिए बागेश्वर धाम से जुड़े हुए सभी पुष्पों के लिए अभी 9 दिन तक अनुष्ठान चलाओ। कुछ ब्राह्मण अभी भी विराजमान हैं और 5 ब्राह्मणों द्वारा मात्र जगत के कल्याण के लिए निरंतर यज्ञ आहुति चलती रहेगी, ताकि बागेश्वर धाम से जुड़े हुए सभी पुष्प, बाग के फूल फलीभूत रहे, सब सुरक्षित रहें और बागेश्वर धाम से, हनुमान जी से, सनातन धर्म से जुड़े हुए जितने भी देश विदेश में लोग हैं, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, इस भावना के लिए केवल यह दास ही हवन करेगा। तो हमारी प्रार्थना है लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में देश और विदेश से आने वाले समस्त भक्त आने वाली तारीख का इंतजार करें। पुनः आपको इस महोत्सव में संतों के दर्शन, बागेश्वर बालाजी के दर्शन अवश्य होंगे, बहुत जल्दी होंगे। अभी तो घर पर रहना ही श्रेयस्कर है। घर पर रह करके मानसिक जप करें, मानसिक ध्यान करें, खूब नाम जप करें, ध्यान रखें। केवल परमात्मा ही अब एक विकल्प और एक प्रकल्प है जीवन जीने के लिए। सब रोक दें पर नाम जपना रोकें। हरि नाम चलें, जप करते रहें ताकि श्वासें चलती रहें। इसलिए नाम जप, अटूट श्रद्धा, अटूट निष्ठा आप बनाए रखें।
दूसरा संदेश दरबार में टोकन नंबर के लिए कई भक्त लगातार प्रयास कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। तो हम आपको प्रार्थना कर दें, यहाँ भीषण विविधता के कारण, शासन की के साथ के कारण, हम आप सब साथ हैं शासन के, इसलिए दरबार भी स्थगित है। शेष जानकारी 10 मई के बाद दरबार से संबंधित प्राप्त होगी। और बागेश्वर बालाजी की कृपा से यह दास पूर्णतया स्वस्थ है, आनंदित है, अफवाहों पर ध्यान न दें, जगत है और वर्तमान में धाम के कुछ जरूरी कार्य पूर्ण कर रहे हैं हम। धाम पर रह करके जो जरूरी कार्य थे उन पर यहाँ पर तैयारी चल रही है। तो हमारी प्रार्थना है कि आप सब शांत चित्त होकर के घर पर रहें, नाम जप करें और व्यस्त रहें, आनंदित रहें। जो भी जानकारी बागेश्वर धाम से संबंधित प्राप्त होगी वो बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज एवं यूट्यूब चैनल से आपको केवल प्राप्त होगी। अन्य पर ध्यान ना दें, जगत है, जगत की अफवाहों पर ध्यान ना देना ही हमारे आपके लिए सही है। तीसरी प्रार्थना में मीडिया द्वारा आपसे करूं, आप सब से जुड़े हुए हमारी स्नेही आत्माओं से, बागेश्वर धाम से जुड़े हुए सभी साधु जन से, बागेश्वर बगिया की पुष्पों से, कि आपको कोई अगर कुछ कह रहा है तो प्रतिउत्तर नहीं देना है, सावधान रहना है, प्रकृति और परमात्मा सब देख रहा है, शांत चित्त रहना है, सावधान रहना है। लोगों का काम कहना है ये कहते ही रहेंगे। एक संकेत हम आपको बता देते हैं, सनातन धर्म को जितना वाहिक धर्म से टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है, जितनी दिक्कत नहीं है, उससे कहीं ज्यादा सनातन धर्म के कुछ कुठाराघाती लोगों से ही है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेगा, हम हमेशा बोलते हैं जब तक हमारे तन में प्राण रहेगा तब तक हम मानव होकर के मानव के काम आएंगे, ये हमेशा हम बोलते हैं। किसी की अपनी अपनी विचारधारा है, कोई बागेश्वर धाम पर पुष्प चढ़ाता उसे पुष्प का आशीर्वाद, कोई फल चढ़ाता उसे फल का आशीर्वाद, कोई दक्षिणा चढ़ाता उसे दक्षिणा का आशीर्वाद, कभी कभी कोई गाली चढ़ा देता है उसे गालियों का भी आशीर्वाद, हमेशा हम बोलते हैं सेम टू यू। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आपको कोई भी प्रतिउत्तर नहीं देना, कोई कुछ कह रहा तो प्रकृति और परमात्मा पर छोड़ें। हाँ, एक बात स्पष्ट आपको सोशल मीडिया द्वारा हम आपको बताएं, बागेश्वर बालाजी से जुड़ने के लिए हमेशा बोलते हैं, कोई भी जरूरी नहीं आप बागेश्वर धाम से जुड़े, हमेशा राम नाम से जुड़ने का हम प्रयास करवाते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं। ना हम सिद्ध हैं, ना महापुरुष हैं, हम एक साधारण हैं, ब्राह्मण हैं और मार्गदर्शक के नाते एक गुरु हैं और रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपकी अपनी धारणाएं हैं, अपनी भावनाएं हैं, भारत देश स्वतंत्र देश है, अपनी अपनी धारणाओं के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। हम इतना ही कहेंगे, इंसान इंसान होता है, भगवान भगवान होता है, पर सनातन धर्म में बागेश्वर धाम एक ऐसा अद्भुत धाम है जहाँ अर्जी निःशुल्क, मिलना निःशुल्क, भंडारा निःशुल्क और आने वाली समस्त चढ़ोतरी गरीब कन्याओं के विवाह में लगाई जाती है। मतलब सीधा सा है कि ऐसा अद्भुत धाम वर्तमान में कहीं नहीं है। तो देखना सकह पराई विभूति, तो जो राक्षस वृत्ति के लोग हैं वो निश्चित है उंगली उठाएंगे, पर उठाने दो आप सबको, हम आप सबको मौन रहना है। और हमें लगता है बागेश्वर धाम की हर जगह जरूरत है, हर क्षेत्र में, हर ग्राम में, हर घर में और सबके हृदय में बागेश्वर बालाजी के और सदगुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा के इन संकल्पों की जन जन तक आवश्यकता है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये दास आपसे प्रार्थना करना चाहता, आप अपनी कमाई करते हैं, पैसा कमाते हैं, आपको हम कह दें कि आप निःशुल्क फ्री पूरा पैसा किसी को ऐसे ही दान में दे दो, आप दांत निकाल दोगे, मुंह फाड़ दोगे, अरे महाराज कहाँ है, गरीबी है, कर्जा में, अरे महाराज ये सब नहीं हो पाएगा, बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। पर बागेश्वर धाम ऐसा है, आने एक तो किसी से लिया नहीं जाता और साथ ही चढ़ोतरी को भी गरीब कन्याओं में वितरित कर दिया जाता। मतलब सीधा सा है, अद्भुत धाम है बागेश्वर बालाजी का धाम, बागेश्वर हनुमान जी का धाम। इसलिए मैं प्रार्थना करूं, घर घर अलख हो राम नाम की, घर घर लोग मानव होकर के मानव के काम आए। निश्चित है आदिकाल से कुठाराघात सनातन धर्म पर चलता आया, चलता रहेगा। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ 1 मई से होने वाला स्थगित है महामारी को देखते हुए। इस महामारी पर सिर्फ वश हनुमान जी का है, एक विकल्प एक प्रकल्प
घर पर रहें और बागेश्वर बालाजी, हनुमान जी, राम जी, युगल सरकार कृष्ण, भगवती माँ, पराम्बा माता और अपने अपने गुरु के चरणों में शरणागति है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है और कोई आपको बचा भी नहीं सकता जब तक आप सावधान नहीं है, जब तक आप गंभीर नहीं है, जब तक आपका आत्मबल मजबूत नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा आप अपना आत्मबल बनाए रखें, हम आपके साथ हैं और बागेश्वर धाम पर यह जो अनुष्ठान होना है इसमें कोई ना आवे, हमारी प्रार्थना है कोई भी ना पधारे, सब घर बैठे ही दर्शन करें, आंतरिक रूप से दर्शन करें, क्योंकि नियमावली का पालन करना हमारा आपका परम धर्म है। शासन प्रशासन का साथ देना हमारा आपका परम धर्म है, क्योंकि शासन प्रशासन अपने लिए नहीं, अपितु हम आप सबको जिंदा देखने के लिए प्रयास कर रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को सब तक जरूर पहुंचाएं। दरबार अभी स्थगित है, अर्जी स्थगित है, पर घर पर हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ, नाम जप, और पुनः जब दरबार लगेगा तो जरूर मार्गदर्शन पुनः मिलेगा, पुनः अर्जियां लगेंगी, पुनः महोत्सव होगा और आशीर्वाद मिलेगा। और जीवित जब तक हमारे तन में श्वास है तब तक हम मानव होकर के मानव के काम आते रहेंगे, लोगों को जगाते रहेंगे, राम नाम से जोड़ते रहेंगे, और जुड़ेगा भी वही जिसका कलेजा मजबूत होगा। हाँ, इतना ही अंत में कहेंगे, इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर प्रभु तेरी सौगात समझकर हम सिर पर उठाए जाते हैं। लोग भगवान राम को भी नहीं छोड़े तो हम तो आम हैं। धन्यवाद। जय बागेश्वर धाम की, जय बालाजी।